मसाला लेना हो, आटा लेना हो, सरसों तेल लेना हो और सब कुछ हाईटेक मशीन से लेना हो तो यहाँ जानकी पटसा में आइए। दोस्तों सुबह से लेकर रात तक जितना भी खाना हम लोग खाते हैं तो सरसों का तेल निश्चित रूप से उपयोग होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों जितना भी डब्बा वाला सरसों तेल आता है ज़्यादातर में लोगों की शिकायत होती है कि मिलावटी तेल है, नकली तेल है, खाने के बाद बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, बीमारी हो रहा है गंभीर गंभीर। ऐसे में दोस्तों जो समस्तीपुर जिला के हसनपुर के पटसा गाँव में यहाँ पर तेल पेराई के बाद एक फिल्टराइज मशीन लगाया गया। एक तो यहाँ पर शुद्ध सरसों का तेल पेराई होता है जानकी सरसों तेल मिल में पटसा में, और उसके बाद ये जो मशीन लगाया गया है दोस्तों इसमें देखिए इतना सारा नल लगा हुआ है, 15 से 20 नल लगा हुआ है। ये सारे नल अलग अलग तरीके से तेल को पूर्ण रूप से शुद्ध करके और यहाँ पे निकालते हैं। तो ऐसे में अगर आपका घर हसनपुर में है, सिंघिया में है, रोसरा के आसपास है तो निश्चित रूप से आप डब्बा वाला तेल ना खरीदिए, यहाँ पटसा आ करके और यहाँ से आप खरीद करके ले जाइए। अपना सरसों ला करके भी आप पेरवा सकते हैं सामने, और नहीं है तो आकर के यहाँ पे खरीद भी सकते हैं सरसों देख करके और सामने में सारा चीज़ करवा सकते हैं। ऐसे में एक तो आपको शुद्ध तेल मिल जाएगा, दूसरा क्वांटिटी सही मिलेगा, तीसरा मिलावट भी आप देख लीजिएगा किस तरह से हो रहा है, और चौथा नंबर चीज़ बीमारी से खुद भी बचिएगा और अपने परिवार को भी बचाइएगा। दोस्तों अभी समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पटसा गाँव में है और हमारे बगल में जुनूर जी है, इन्होंने पटसा गाँव में अत्याधुनिक मशीन लगाया है जिससे सरसों के तेल का पेराई किया जाएगा। इसके साथ ही आटा चलाई का भी अत्याधुनिक मशीन लगाया है और काफ़ी यहाँ पे भव्य रूप से शुभारंभ किया गया है। आपको मिल दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर मशीन इनके द्वारा लगाया गया है यहाँ पे। किस किस चीज़ का मशीन लगाए हैं? हम यहाँ पर लगाए हैं आपका ये जानकी सरसों तेल मिल है। अच्छा, यहाँ पे तेल का पेराई भी होता है। अच्छा, और साथ साथ में फिल्टराइज करके हम लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, हाँ। इससे पहले जो अपने इलाका में तेल का है मशीन, उससे क्या अलग है आपके मशीन में? हमारे यहाँ फिल्टराइज होता है। अच्छा, आपका तेल जो है सो कोई मिलावट नहीं होगा। अच्छा, वो बिल्कुल आपके पास फ्रेश पहुँचाएगा। अच्छा, जो मतलब शुद्ध सरसों तेल। हाँ, शुद्ध मशीन में कहीं से कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ मिल गया तेल खराब हो गया, कुछ नहीं। उसके लिए पूरा गारंटी है यहाँ पर। अच्छा, आप अच्छा। सामने में भी पेराई करके ले सकते हैं। कहाँ से मंगवाए हैं मशीन? ये मशीन तो हम गाजियाबाद से मंगाए हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, से अच्छा, अच्छा, और ये हमारे बेहतर तकनीशियन। अच्छा, यही लगाए इंस्टॉल करने? हाँ हाँ हाँ, यही। अच्छा, लगाए हैं। अच्छा, और कहाँ से मशीन आया है सर? ये मशीन गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से आया? हम लोग के बिहार में जो मशीन रहता है और आपके गाजियाबाद से जो आया है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है क्या? इसका क्वालिटी अच्छा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिल्टराइज इसका पर्दा जो है से बेगूसराय में नहीं मिलता है। अच्छा, आइए थोड़ा मशीन के पास से देखते हैं क्या क्या है मशीन में, और हम खुद पहली बार देख रहे हैं इस तरह का चीज़। और आइए आइए टेक्नीशियन साहब, इधर देखिए, थोड़ा कैमरा नज़दीक से लाइए, देखिए यहाँ पे कितना सारा देखिए नल लगा हुआ है। थोड़ा दिखाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नल लगा हुआ है। नल से फिर यहाँ कंटेनर में जा रहा है। तो टेक्नीशियन साहब ये बताइए कि नल 15 को काहे लगा हुआ है? नल 15 से फिल्टर करके निकलता है, 15 में जाली लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, 15 कपड़ा से फिल्टर होकर के उसके बाद निकल। मतलब सबका काम है तेल को नीचे फिल्टर करके गिराना? जी जी, कचरा सब अंदर रह जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको प्योर फिल्टर कर देंगे। इसका रॉ मटेरियल कहाँ पे डालते हैं? इसमें डालते हैं क्या डालते हैं इसमें? यहाँ सरसों तेल डलाता है। अच्छा, जो पेराई हुआ। अच्छा अच्छा, वो प्रेशर से आएगा यहाँ और कचरा सबको अंदर रखेगा। अच्छा 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 अच्छा, कुल मिला के दोस्तों ये समझिए कि तेल पेराने के लिए आप कहीं भी पेरा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि उसका डस्ट, उसका गंदगी, उसका रॉ मटेरियल तेल में चला जाता था। लेकिन ये जो फिल्टर मशीन देख रहे हैं, इसमें जो इतना सारा नल लगा हुआ है, इस सब में जाली लगा हुआ है और बहुत तरह से अनेकों तरह से फिल्टर करके तेल को यहाँ पे निकाला जाता है। और निकलने के बाद थोड़ा नज़दीक से आइए, दिखाइए, देखिए ये सारे नल से जो है तेल फिल्टर करके और तेल को एकदम शुद्ध करके, देखिए सारे नल में जो है सो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कंटेनर में तेल यहाँ पे गिरेगा। और ये माँ जानकी के नाम से है, शुद्ध जानकी सरसों तेल पटसा। आने वाले समय में, अभी तो ये लोकल लेवल पे दे रहे हैं, आने वाले समय में इसको पूरा पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई भी करेंगे माँ जानकी के नाम से। तो आप लोग भी हसनपुर प्रखंड रोसरा आसपास के हैं समस्त सिंघिया में, तो यहाँ पे आइए और जुनूर जी के यहाँ आ करके निश्चित रूप से यहाँ पे इनके तेल का आप एक बार ले करके देखिए कैसा है, नहीं है और क्या कहना है? तो बस हम अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। आज का जो भागम भाग का ये जो दौर है जहाँ पे आपको ओरिजिनल सामान नहीं मिल पाता है, मिलता है। हाँ, और जगह मिलता है। आपका ये जो डब्बा ये सब जो है, ये सबसे ये बहुत अच्छा तेल है। हाँ, और
यहाँ से अगर आप तेल ले जाते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपने उसमें से खर्च भी कर दिया, तो यहाँ गारंटी है, आप हमें वापस कर सकते हैं, आपका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। और दोस्तों, अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि पुरुष कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन महिला लोग को ही सारा काम करना पड़ता है। ऐसे में आप शुद्ध जानकी सरसों मिल में पटसा में अगर महिला है, फिर भी आकर के बड़ा आराम से काम करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संचालिका है वो महिला भी है। आप रहते हैं यहाँ पे तेल पेराई में? जी जी, यहीं पर। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, लोग अपना सरसों लेके आएगा, वो भी पेड़ देती है? पेड़ देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को खरीदना है पैसा दे करके, तो वो भी देते हैं, वो भी सरसों तेल हो जाएगा? हाँ, मान लीजिए हम पैसा लेके आए, मेरे सामने में सरसों दिखा करके पेड़ दीजिएगा? जी जी, हम पेड़ देंगे, सरसों अवेलेबल रखते हैं। हाँ, हाँ, और क्या क्या आपके मिल में उपलब्ध है? सरसों तेल है, आटा है, मसाला है। अच्छा अच्छा, यही सब। कौन कौन मसाला है? जैसे धनिया पाउडर हुआ, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। अच्छा अच्छा। और दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, आटा तो सब जगह आटा पीसने की चक्की होती है, लेकिन यहाँ पर जो पटसा में राम जानकी में किया गया है, एक फिल्टर मशीन यहाँ पे कह सकते हैं, चलनी, बड़े लेवल का चलनी है। थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा इसको, ये बहुत बड़े लेवल का चलनी है। और इसका खूबी यह है दोस्तों कि आटा पीसने के बाद इस पर दिया जाता है, और पीसने के बाद क्या होता है कि जनरली जो हम लोग घर में चलनी यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि घर में जो चालते हैं ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो पौष्टिक तत्व तो होता है आटा का, वो भी चलनी के द्वारा बाहर आ जाता है। ऐसे में आटा का जो मैनमेन पार्टिकल है जिससे फायदा होगा वो गिर जाता है, लेकिन इस चलनी का ये खूबी है कि इसमें से उतना ही चीज गिरता है जो गंदगी है, बाद बाकी सारा पौष्टिक तत्व तो आटा में बना रहता है। ये पहली बार यहाँ पर पटसा में लगाया गया है जुनूर जी के यहाँ, क्या कहिएगा? चलनी तो पहला बार ही देखे हैं? हाँ, पहली बार ही देखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मतलब इसका खाए हैं चला हुआ आटा? अभी तो आज उद्घाटन ही हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद इस्तेमाल भी होगा। हाँ, क्या कहिएगा लोगों को जो अभी तक, ज्यादातर लोग तो पटसा का आप ही के यहाँ पिसवाते हैं, आप तो चलवाएंगे अभी आप ही के यहाँ? हाँ, वो जो जाकर के मशीन जो होता है उसमें गंदगी उंदगी सब आटा में मिक्स किया जाता है, और इसमें जो होता है ये बिल्कुल फ्रेश निकलता है। इसमें जो है स्वास्थ्य का मतलब ध्यान रखा गया है, तो उस सबसे ये ही है कि ये सबसे ज्यादा बेटर है। अच्छा, अंतिम में एक चीज बताइए, आटा पिसाई क्या रुपए किलो लेते हैं? डेढ़ रुपए, मात्र डेढ़ रुपए किलो। जी, अभी चलनी आ गया है, इसमें क्या कुछ बढ़ेगा ना आप चार्ज? दो रुपए चलिएगा इसको? हाँ, दो मतलब पिसाई डेढ़ रुपए और 50 पैसे, मात्र 50 पैसा इसका बढ़ाई। हाँ, 50 पैसा। वाह, तो ज्यादा नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, पब्लिक का गर्दन नहीं काटना है ना, उसको मिला करके चलना है ना। चोकर दे देगा तो अपना ले जाएगा वैसे आटा, आ नहीं तो अपना चोकर भी ले लीजिए, हमको 2 रुपए पिसा दे दीजिए। और दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का नमूना देखिए, एक परिवार में पति है, पत्नी है, सब लोग मिल के यहाँ काम करते हैं। यहाँ पहले आटा पीसने की मशीन थी, फिर तेल पेराई का मशीन लगा, अब देखिए उसको बढ़ाते हुए यहाँ पे एक हाईटेक चलनी लगाया गया है, और उधर पीछे में तेल पेराई का मशीन था, अभी जो है फिल्टर लगाया गया है सरसों तेल का। इसके साथ साथ यहाँ पे दुकान भी है, एक बार दिखाइए इधर कैमरा, आप घर का जितना ज़रूरत का सामान है, आप आटा पिसाने के साथ साथ यहाँ से आप किराना का जनरल स्टोर का सारा सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका घर अगर हसनपुर प्रखंड में है और तेल की ज़रूरत है सरसों तेल की, तो निश्चित रूप से शुद्ध सरसों तेल पैसा लेके आइए या सरसों लेके आइए, आपके आँख के सामने में यहाँ पे पेरा जाएगा, फिर नए मशीन से फिल्टर किया जाएगा। और आप पटसा के हैं, अगल बगल काले बतसपुर, इधर चंद्रपुर, मधेपुर, आगे तक आतापुर, कुंडल, तो रामनगर, तो आप यहाँ पे आइए, औरा आप आटा पिसवाइए, आटा पिसवाने के साथ साथ चलवा भी लीजिए। 1.5 रुपया में पीसते हैं, 50 पैसा मात्र लगेगा चलने का चार्ज। इससे ये होगा कि जो आटा का सारा पौष्टिक तत्व तो आप चाल के बाहर फेंक देते थे, वो सारा आपका नहीं जाएगा, सिर्फ कचरा बाहर जाएगा। ऐसे में आप बीमार नहीं होइएगा, शुद्ध आटा खाइएगा और शुद्ध तेल लीजिएगा, और आने वाले समय में ये माँ जानकी शुद्ध सरसों का तेल और आटा आपको पैकेट में भी देखने को मिलेगा। तो आप अगर लेना चाहते हैं पैकेट में भी, तो आप जुनूर जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऊपर में मोबाइल नंबर दिया गया है, आपको लेना हो ना लेना हो एक बार इंक्वायरी जरूर कर ले। हम ये सभी ग्रामीण क्षेत्र महिला को सूचित करना चाहते हैं कि मिलावट से दूर रहें, क्योंकि जा करके जो है अभी जितनी भी बीमारी हो रही है ये देश में सिर्फ मिलावट का ही कारण है, इसलिए शुद्ध चीज पे ज़्यादा ध्यान दें।
अच्छा किस किस चीज का यहाँ पे मसाला रहता है? जैसे धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर। रेट क्या है सबका? जैसे धनी पाउडर हुआ 140 रुपए किलो। अच्छा, और अच्छा। हल्दी हो गया 260 रुपए किलो। अच्छा, अच्छा। और मिर्च हो गया 280 रुपए किलो। अच्छा, नजर के सामने में पीस के देते हैं। नजर के सामने जो भी खा लेते हैं अपना, उसको अच्छा लगता है। मसाला लेना हो, आटा लेना हो, सरसों तेल लेना हो, और सब कुछ हाईटेक मशीन से लेना हो, तो यहाँ जानकी पटसा में आइए। और देखिए ये जो मशीन लगा है, इसको भी यही टेक्नीशियन साहब इंस्टॉल किए हैं। क्या कहिएगा, ये मशीन को, ये आटा चालने वाले मशीन को क्या कहते हैं? सर उसमें फ्लावर मिल में जो होता है पानी मिला करके तब पिसाई होता है। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर सूखा पिसाई होता है, इसका लास्टिंग 3 महीने तक आटा रह सकता है। अच्छा, अच्छा। उसका 1 महीने के अंदर जीभ हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। खासियत इसका यही है, मतलब इसमें डालने के बाद 3 महीना तक कुछ नहीं होगा आटा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। अच्छा, इसमें और घर में जो चलनी होता है दोनों में क्या फर्क रहता है? फर्क है उसमें थोड़ा मोटा साइज रहता है, गिर जाता है उसमें से पौष्टिक तत्व ना जी। कहाँ से ये मशीन आया है? ये मशीन तो गाजियाबाद का है, गाजियाबाद का है, बनाया गया है यहाँ। अच्छा, अच्छा। इससे पहले यहाँ लगाए थे ये मशीन अपने ये हसनपुर में? जी हसनपुर में नहीं लगा, नहीं लगाए हसनपुर में, नहीं लगाए, पहला मशीन है। तो पटसा के साथ साथ हसनपुर प्रखंड के लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पटसा में एक ऐसा मशीन लगा है जो आटा का सभी गुणवत्ता और सभी पौष्टिक तत्व आप तक पहुंचाएगा। और इसका आटा खाने के बाद आप खुद महसूस कीजिएगा कि पहले जो आटा खाते थे और अब जो आटा खा रहे हैं, जानकी आटा मिल और तेल मिल से, पटसा से, झुनूर जी के यहाँ से, दोनों में फर्क नजर आएगा। और ज़्यादातर लोग पटसा के यहीं से ले जाते हैं, आप भी आइए यहीं से ले जाइए और एक बार खा करके देखिए। और मोबाइल नंबर है ऊपर में दिया हुआ, इस पे फोन कीजिए, संपर्क कीजिए, किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, आपको लेना हो, ऑर्डर करना हो, तो वो भी होगा। हाँ हाँ, पैकिंग वाला बोल दिए हैं, फिर से बोल देते एक बार, मतलब पैकिंग का भी सुविधा है। हाँ, और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद, अभी तो यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको अपने दुकान में या आपको होलसेल में, अपने गाँव में, हर जगह पे ये जानकी आटा मिल का शुद्ध आटा और जानकी तेल मिलगा, शुद्ध तेल आपको डब्बे में और पैकेट में मिल जाएगा। इसके संबंध में भी अगर इंक्वायरी लेना है, आपको ऑर्डर लेना है या देना है, तो झुनूर जी के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।